हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत आप सभी का डेली करंट अफेयर शो में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज है 8 मार्च 2023 और 8 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं इंपोर्टेंट फैक्ट्स को बताऊंगा। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आप लोगों को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइनिंग करने के लिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करना है एडुकेयर मंत्रा और आप लोग वहाँ पर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आज है आप लोगों का पावन पर्व होली, रंगों की ये होली है दोस्तों, और आपको और आपके परिवार को हमारे तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए हम लोग देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के 53वें जिले के रूप में किसे पेश किया गया है। तो अभी हाल ही में दोस्तों, ये मऊगंज को मध्य प्रदेश के 53वें जिले के रूप में पेश किया गया है। मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के जो अभी राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल हैं और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी दोस्तों आप लोगों की भोपाल है और मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों। और मध्य प्रदेश के 25.14% क्षेत्र पर वनों का कब्जा है दोस्तों। अभी हाल ही में दोस्तों, मध्य प्रदेश के जो CM हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने लाडली बहना योजना की शुरुआत करी है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की शुरुआत करी है दोस्तों अभी हाल ही में। आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कि संतोष ट्रॉफी किसने जीती है। तो ये दोस्तों अभी हाल ही में आप लोग का कर्नाटक ने संतोष ट्रॉफी को जीती है। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट को आप लोग याद रख सकते हैं। कुछ आइए हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड। तो मैक्स वर्स्टापेन ने सीजन का उद्घाटन वहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है अभी। और एशियाई शतरंज महासंघ ने डी गुकेश को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया अभी दोस्तों। ठीक है, तो इस पॉइंटों को आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास 2023 में किसने भाग लिया है। तो ये दोस्तों अभी हाल ही में INS त्रिकंद ने भाग लिया है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। और श्रीहरिकेश में गंगा के तट पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव स्टार्ट किया गया 2023। तो दोस्तों आप लोगों को इस पॉइंटों को याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 2022 का BCC इंडियन स्पोर्ट वुमन्स ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है। तो आप लोगों का ये दोस्तों जीती हैं मीराबाई चानू अभी जीती हैं। तो इस पॉइंटों को आप लोगों को याद रखना है। और भाविना पटेल ने BCC पैरा स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार इन्होंने जीता है दोस्तों। और प्रीतम सिवान को BCC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और बॉक्सर नीतू गांगस को BBC आप लोगों का इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो इस पॉइंटों को भी आप लोगों को याद रखना है। BCC की बात करें दोस्तों, तो BCC का आप लोगों का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों, तो आप लोगों का ये लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। और BCC के महानिदेशक टिमोथी डगलस डेबी हैं। और BCC की स्थापना कब करी गई थी दोस्तों, तो ये 18 अक्टूबर 1922 में करी गई थी। इस पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मीराबाई चानू हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न कि स्वच्छ जो है दोस्तों सुजल शक्ति सम्मान किसने प्रदान की है। तो अभी हाल ही में दोस्तों, ये द्रौपदी मुर्मू ने आप लोग का भारत के 15वें महिला राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू शपथ ली हैं। तो इन्होंने अभी हाल ही में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान की इन्होंने प्रदान की है दोस्तों। तो ये 15वें नंबर की पहली आदिवासी महिला दोस्तों ये राष्ट्रपति बनी है। और नरेंद्र मोदी आप लोग 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं भारत में। ठीक है दोस्तों, और जगदीप धनखड़ की बात करें दोस्तों, तो ये आप लोगों के 14वें नंबर के भारत के उपराष्ट्रपति बने हुए हैं। और अमित शाह दोस्तों आप लोग वर्तमान में गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं। और दोस्तों, तो लेखक विनोद कुमार शुक्ला ने जीता 2023 का पेन नोवो कोवो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्होंने जीता है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया है। और सर्वानंद सोनेवाल ने पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया है दोस्तों। और भारतीय सेना खरीदेगी 310 स्वदेशी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। तो इन पॉइंटों को भी आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स।
दोस्तों अगला प्रश्न है कि दुनिया का पहला बांस क्रेश कैरियर कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये दोस्तों अभी हाल ही में आप लोगों का महाराष्ट्र में, आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र में दुनिया का पहला बांस क्रेश कैरियर स्थापित किया गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए हम लोग इसे कुछ रिलेटेड देखते हैं दोस्तों कि वियतनाम की संसद ने नो वान थुओंग को नया राष्ट्रपति अभी हाल ही में चुना है और वोला टिनुब नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति अभी चुने गए हैं दोस्तों। नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है दोस्तों और गुजरात के गिफ्ट सिटी में स्थापित होंगे 2 ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय। तो इस भी पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस प्रसिद्ध बंगाली साहित्यकार का निधन हो गया है, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो ये दोस्तों आप लोग का हुआ है सस्तीपद चट्टोपाध्याय का। आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, सस्तीपद चट्टोपाध्याय का अभी हाल ही में निधन हो गया। तो ये दोस्तों कौन थे, तो ये प्रसिद्ध बंगाली साहित्यकार थे और इनका हाल ही में अभी निधन हो गया है दोस्तों। आइए हम लोग देखते हैं कुछ 2023 में इम्पोर्टेंट निधन जो आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में यक्षगान भागवत बलिया बलिपा नारायण का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और दिग्गज भारतीय फुटबॉलर तुलसीदास बलराम का निधन हो गया है। प्रसिद्ध चित्रकार ललिता लाजमी का भी हाल ही में निधन हो गया है दोस्तों और दिग्गज एक्टर जावेद खान अमरोही का हाल ही में निधन हो गया और प्रसिद्ध अमेरिकी पॉप संगीतकार बर्ट वशराज का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। प्रसिद्ध गायिका वाणी जयराम का भी हाल ही में निधन हो गया दोस्तों और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन हुआ। इन पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है दोस्त। और हाल ही में फिल्म निर्माता के विश्वनाथ का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। प्रसिद्ध लेखक के वी तिरुमलेश का भी निधन हुआ है। पूर्वज आयकर मुक्त आयुक्त TCS रामानुजम का ये निधन हो गया है दोस्तों और लोकप्रिय मलयालम एंकर अभिनेता सुरेश का निधन हो गया है दोस्तों और मिर्जापुर के अभिनेता शानबाज प्रधान का भी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये दोस्तों 2023 में कुछ इंपोर्टेंट निधन है जिनको आप लोगों को याद रखना है। आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कि जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल दोस्तों जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया जाता है। 7 मार्च आप लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मार्च में कुछ इंपोर्टेंट डे हैं दोस्तों आप लोग को याद रखना है कि 1 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है और उसी दिन विश्व शिशाग्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्त। और 3 मार्च को आप लोग का विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। ये इंपोर्टेंट है दोस्तों, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, विश्व मोटापा दिवस मनाया जाता है। तो इन पॉइंटों को भी आप लोग को याद रखना है दोस्त। ठीक है दोस्त, आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया। तो ये दोस्तों आप लोगों का घोषित किया गया दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को घोषित किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया के महासागर निकायों की रक्षा के लिए पहली उच्च समुद्री संधि पर हस्ताक्षर किया है। इस पॉइंट को भी आप लोग को याद रखना है। अभी हाल ही में भारत को $1 बिलियन की मदद कर रहा है विश्व बैंक। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप लोग को याद रखना है। IAF ने जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ अभ्यास सिन्नु मैत्री में भाग लिया दोस्तों। ठीक है, अभ्यास सिन्नु मैत्री में अभी भाग लिया, तो इस पॉइंट को भी आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत कितने स्थान पर है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग को याद रखना है। तो ये आप लोग का दोस्तों 108वें स्थान पर है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में दोस्तों। इस पॉइंट को भी आप लोग को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि डॉक्टर मनसुख मंडालिया ने विश्व पुस्तक मेला 2023 में भारत की वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी का अनावरण किया है। इस पॉइंट को भी आप लोगों को याद रखना है। और लग्जरी आवास में मूल्य वृद्धि में मुंबई विश्व स्तर पर 37वें स्थान पर पहुंच गया दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे आज के इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स। हमें उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगती हो दोस्तों आप लोगों को तो तब इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाली घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों को का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो अगला प्रश्न दोस्तों आप लोग से पूछा जाएगा, आप लोगों का कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना होगा।
दोस्तों आप लोगों को बताना है कि सेमीकंडक्टर बनाने वाला देश का पहला प्लांट कहाँ खोला गया है। सेमीकंडक्टर बनाने वाला देश का पहला प्लांट कहाँ खोला गया है आप लोग का, ये करंट अफेयर्स है। मैंने पिछली वीडियो में इनके करंट अफेयर्स को करा रखा है, तो आप लोग को अगर नहीं आता है दोस्तों आप लोग सर्च करना है या हमारे वीडियो देखकर आप लोग को कमेंट करना है कि सेमीकंडक्टर बनाने वाला देश का पहला प्लांट कहाँ खोला गया है। तो आप लोगों का जो भी लोग नाम लेंगे, जो भी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे सबसे पहले उनका नाम लिया जाएगा। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।